मध्य प्रदेश जहां एक और मिलावटखोरों एवं राशन माफियाओं पर कार्यवाही कर रही है, वहीं शाजापुर जिले के दिलोद सोसाइटी में सोसाइटी संचालक ने चावल बेचने के लिए ट्रक में लोड कर उसको गांव की सोसाइटी से शहर के लिए रवाना किया। इसी बीच इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना खाद्य विभाग एवं पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग की टीम के द्वारा मामला जांच में लिया। वहीं खाद्य अधिकारी का कहना है कि उन्होंने ट्रक को जब्त कर आगे ही कार्यवाही शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं शाजापुर के दिलोद सोसाइटी संचालक के ऊपर क्या कार्यवाही होती है। ये गाड़ी दिलोद सोसाइटी से भरा रही थी। पहले नाम मेरा नाम है बलवान सिंह सेंधव ठाकुर, मैं यही दिलोद जीरीपुरा रहता हूँ और सोसाइटी आगे वाली दिलोद में है। यहाँ पर जब मेरे को पता चला कि गेहूँ की और चावल की गाड़ियाँ भरा रही है गोपनीय तरीके से, जब मैं घर पे था, मैं जैसे ही निकला वहाँ से, गाड़ी तो उन्होंने पहले भगा दी थी, उनको भी पता चल गई थी मुंशी जी को, उनको कि गाड़ी यहाँ से निकल रही है। मैं जैसे ही घर से निकला, जब तक एक गाड़ी निकल चुकी थी और दूसरी गाड़ी ये चावल वाली जो भरी हुई है ये मैंने यहाँ पर पकड़ ली। ये भी नहीं रोक रहे थे गाड़ी, ज़बरदस्ती हमने इस गाड़ी को रुकवाई और देखा तो थैले ऊपर रखे हुए थे, सरकारी थैले, और नीचे अंदर चावल, ये चावल भरे हुए, ये चावल भरे हुए, सारे के सारे भरे हुए मिले। इसमें तुरंत हमने आप पत्रकार महोदयों को अवगत कराया, थाने पे भी हमने फोन लगा दिया है। अधिकारी आ रहे हैं? आ रहे हैं, यही सब वगैरह आ रहे हैं। देखते हैं आप क्या इनका करते हैं। और वो भैया से मेरी कितने क्या क्या है इस गाड़ी में? इस गाड़ी में थैले भरे हुए और चावल भी कम से कम 10-12 थैले भरे होंगे, सरकारी बारदान में भरे हुए हैं और सरकारी बारदान भरे हुए हैं। एक गाड़ी निकल भी गई और एक गाड़ी निकल भी गई है गेहूँ की भरी। और यहाँ दिलोद में पहले भी यहाँ से गाड़ियाँ भरा कर जा चुकी है। पहले भी मैंने इस मामले में शिकायत की थी, बाकी कोई ने मेरी चलने नहीं थी, बाकी आज हमने खुलेआम इनको पकड़ लिया है। यहाँ पर मामला ये कि हम लोगों को ग्रामीण जनों ने सूचना दी थी वरिष्ठ अधिकारियों को कि एक गाड़ी है जिसमें कुछ शादी वितरण प्रणाली का चावल उसमें कुछ बारदाना है, उन लोगों ने कहीं दिलोद के पास किसी किराए पर रोकी थी। तो सूचना मिलने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर और हम लोग खाद्य विभाग से हम लोग उपस्थित हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार महोदय भी मौके पर ही हैं, पुलिस विभाग के लोग भी हैं और गाड़ी को हम लेके आए वापस दिलोद की सोसाइटी पे और इसका कार्रवाई हम उसको कर रहे हैं। सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हम गाड़ी का जो भी माल है उसका तौल पत्र बना रहे हैं और उसके बाद हम गाड़ी को आगे कार्रवाई के लिए थाने ले जाएंगे, उसको जब्त करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप शर्मा। कितने चावल पकड़े सर? अभी तो हम तोल पत्रक बना रहे हैं। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।